देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ऐसे तो एक्सपोनेंट एंड पावर का सॉल्यूशन मैंने पहले भी काफ़ी दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है इसको आप लोग देखेंगे कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 पर पावर 3 इंटू ए पर पावर 3 इंटू 5 ए पर पावर 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3 इंटू ए पर पावर 3 इंटू 5 इंटू 5 को नंबर को अलग कर दिए, ए पर पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 पर पावर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, अगर इसको पावर को हटाएंगे तो 8 हो जाएगा, इंटू ए पर पावर 3 इंटू 5 इंटू ए पर पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे है नंबर को देखिए एक जगह कर सकते हैं, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, और इंटू ए पर पावर 3 है मेरे पास और इंटू ए पर पावर 4, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 40 और ए पर पावर 3 इंटू ए पर पावर 4 क्या हो गया, ए पर पावर 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही मैंने इजी तरीके से आपको बताया है। और अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार करेंगे कि अगला क्वेश्चन या अगला सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।